दोस्तों आप लोग देख सकते हो काकड़िया तालाब की हमें बस मिल चुकी है, BRTS यहाँ की लोकल बस है जो कि सिटी में चलते रहती है, जैसा कि अपने सूरत में भी चलते रहती है। अगर आप सूरत से हो गए तो आपको तो पता ही होगा। तो अभी हम जा रहे हैं काकड़िया तालाब, फिर वहाँ का बताऊंगा आपको। इसमें बैठेंगे अपने वजन और चपट हो अगर सफर चल गया अगर तुम अगर गाइज देख लीजिए आप काकड़िया तालाब में अगर आप आओगे तो एक बटरफ्लाई गार्डन है जो कि 10 रुपये टिकट है। और ये देखिए हमने टिकट खरीद ली है और अब हम जा रहे हैं बटरफ्लाई गार्डन में। अभी अंदर का आपको बताने वाला हूँ कि अंदर क्या क्या है। तो अंदर अपने जैसा कि काकड़िया तालाब है तो उसमें जू भी आ जाता है, बटरफ्लाई गार्डन भी आ जाता है और एक बहुत ही खूबसूरत लेक है, मैं आपको आगे बताऊँगा। तो गाइस अहमदाबाद का ये बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई गार्डन लग रहा है जो कि हमें स्टार्टिंग से ही पता चल रहा है कि कैसा होगा। अब देखते हैं कि होप के एंडिंग तक के बढ़िया ही रहे, बिकॉज हम ऐसी बहुत सी जगहों पे गए हैं जाके हम उस जगह पे जाके अपसेट हुए, लेकिन आशा है कि ये जगह हमें बहुत ही खुश करेगी। तो गाइज मेरे पीछे देखिए कितना ब्यूटीफुल फवारा है और ये डॉल्फिन देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है इस फुवारे में। इसमें लाइटिंग है जो बहुत ही खूबसूरत लगती है और डॉल्फिन भी बहुत ही जब बढ़िया लगती है जब लाइट जलती है जब। तो रात का समय भी इधर बहुत ही खास होने वाला है, जैसा कि आप लोग कुछ लोग सूरत से हो तो जानते होंगे कि गोपी तालाब कितना ब्यूटीफुल लगता है रात में, इसी तरह ये भी काकड़िया लेक और इधर की जो भी जगह है बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। गाइस बटरफ्लाई गार्डन में तो गया था लेकिन वहाँ पर कुछ खास नहीं मिला मुझे, फिर भी ठीक है खूबसूरती के लिए मतलब ब्यूटीफुल नज़ारे हैं वहाँ पर। लेकिन आप देखिए मेरे पीछे ये काकड़िया लेक है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और अहमदाबाद का बहुत ही फेमस काकड़िया लेक है ये। और दोस्तों जिस तरह हमारा गोपी तालाब है सूरत का वो भी मैंने वीडियो डाला हुआ, नहीं अगर आपको पता होगा तो आई बटन में जाके चेक कर लीजिए, बाकी आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा काकड़िया लेक का। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मतिन कहाँ पे गया, तो मतिन अभी थका हुआ है तो इसीलिए आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे से, जब तक के मतिन के एनर्जी वापस आती है तब तक। तो अभी हम जाने वाले हैं यहाँ पे अपने जू है, यहाँ पे उसकी टिकट लिया हुआ है, ये टिकट है 6 टिकट। मैं आपको बताता हूँ कि मतिन कहाँ पर है। तो तेरे कहाँ पर गया तू, सब कुछ देख रहे थे मुझे कि मैं आया तू कहाँ पे गया। मैं अभी जू के बाहर बैठा हूँ, अभी अंदर जाने वाला हूँ, बहुत थक गया। लेकिन पूरी मतिन की पूरी एनर्जी ख़त्म हो गई अभी, इतने में थोड़ा सा घुमा है बस उतने में पूरी एनर्जी चली गई है इसकी। तो आगे से मैं कंटिन्यू करूँगा जब तक के मतिन की एनर्जी वापस नहीं आती है तब तक। तो चलो अंदर जाके देखते हो क्या क्या चीज़ें।
सीन कंटिन्यू कर रहा है अभी, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं यहाँ पे ये गेट से, और अभी यहाँ पे आते से यहाँ पे पूरा मैप बना हुआ है। अभी यहाँ पर हम यहाँ पर है, अभी यहाँ से पूरा ये सब कवर करना है। तो जाते हैं अंदर मैप के हिसाब से और देखते हैं क्या क्या चीज़ें दिखती है, और बाकी चलो चलते हैं अंदर। मतिन फ़ोटो पाड़ दे इसका, आगे काम आएगा। जो गेट से हम आए वहाँ पे पहले हाथी का है यहाँ पे, और उसी के सामने वाइट टाइगर है। बाकी अभी वो पिंजरा तो खाली नहीं है, बाकी उसकी आवाज़ आ रही है। तो वो अंदर साइड है, तो वो साइड से बताते हैं एंगल के पिंजरे के अंदर है, वहाँ से आवाज़ तो आ रही है उसकी। दोस्तों बटरफ्लाई गार्डन के बाद से आप लोगों ने देखा होगा कि मोहसिन भाई ने वीडियो बनाया है। तो मोहसिन भाई ने कैसा वीडियो बनाया है और आपको कैसा लगा, तो उस बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जब का मैं थका हुआ था, तो दोस्तों अभी तक के थकान उतरी नहीं थी। फिर फाइनली मैंने खाने का भी नहीं बताया आपको कि क्या खाया मैंने दोपहर में। तो अभी मैं डायरेक्ट वहाँ से फिर थोड़ा घूमते घूमते यहाँ पर आया हूँ अपने शाह आलम बाबा की दरगाह पे, जो कि अहमदाबाद के बादशाह है, अहमदाबाद की बहुत मशहूर हस्ती है, काफ़ी फेमस दरगाह है, बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। और अभी भी बहुत से लोग यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो वहाँ पर सामने। और दोस्तों ये दरगाह पे मैं काफ़ी 20 साल बाद आ रहा हूँ, जब मैं अभी मेरी उम्र है 26 साल, जब मैं 6 साल का था जब आया था इधर, और अभी फिर 20 साल के बाद मेरा यहाँ पर आना हो रहा है। तो पहले फर्स्ट टाइम में मेरी दादी और मेरे पापा के साथ यहाँ पे आया था, लेकिन अभी आप लोग देख सकते हो जो कि मेरा ग्रुप है, जो कि मेरे दोस्त है, उनके साथ मैं यहाँ पर आया हूँ दरगाह पर, और वो लोग भी यहाँ पर आए, पर बिकॉज़ ज़्यारत यार हम लोग नहीं कर पाए।